भाजपा के अच्छे और बुरे का पैमाना क्या है? भाजपा के अच्छाई का पैमाना यह है कि वो मैंने गंगा माता के समान है। वो गंगा जी में नहाने जाइए, सारा पाप आपका धुल जाएगा। भाजपा अपने आप को वही गंगा समझती है कि जो गया धुल गया सारा पाप, उससे अगर निकल गया तो वो गंदा हो गया। ऐसे हो रही थी, ठीक है, लेकिन जिस तरह से तानाशाही, जिस तरह से ईडी का हमला करके, जिस तरह से सीबीआई की धौंस दे करके, सीबीआई का छापा मरवा करके, जिस तरह से प्रजातांत्रिक देश को कमज़ोर किया जा रहा था, प्रजातांत्रिक जमहूरी ढांचे को ध्वस्त किया जा रहा था, ऐसे में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास विकल्प क्या था? कोई तो होगा जो बढ़ के उठाएगा झंडा, और उन्होंने झंडा उठाने का काम किया, और पूरा मुल्क हमारे आदरणीय नेता के आवाज़ पर, आदरणीय नेता के ऐलान पर, आह्वान पर गोलबंद होने के कगार पर है। और देश की जितनी भी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, जितने भी सेकुलर मिजाज पार्टी हैं, जितने भी सेकुलर मिजाज लीडर हैं, वो सब बिहार की तरफ और हमारे नेता की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला 2024 में इसका पॉजिटिव परिणाम आएगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आज जिले में जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लक्ष्य रखा गया है? देखिए, आज यहाँ नहीं, ज़िला में, आप ही के ज़िले में, मतलब सीतामढ़ी ज़िला में ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के हर ज़िले में आज बैठक थी जिला कार्य समिति की, प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के आलोक में, और उसी के तहत सीतामढ़ी में भी बैठक हुई है। बैठक में ये तय हुआ है के 2.5 लाख सदस्य इस ज़िले में सीतामढ़ी में बनाए जाएंगे। 2.5 लाख माने एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 25,000 एक विधानसभा क्षेत्र में, एक असेंबली हलके में, ये हो गया। दूसरा ये है कि गांव-गांव जाकर, जिला से लेकर के प्रखंड और प्रखंड से लेकर पंचायत तक, जो ज़िला के सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, जवाबदेह लोग हैं पार्टी के, चाहे वो प्रभारी हों, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, चाहे वो जिला कार्य समिति के सदस्य हों, जिला कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हों, या विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष जिला अध्यक्षगण हों, या प्रखंडों के अध्यक्षगण हों, पंचायत के अध्यक्षगण हों, वो सब अपने अपने क्षेत्र में जम करके इस अभियान में शामिल होंगे और डोर टू डोर जाकर नीतीश कुमार जी की नीतियों को, नीतीश कुमार जी के क्रियाकलापों को, नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए 17 वर्षों में जो उन्होंने कार्य किया है बिहार के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के अमन के लिए, बिहार के विकास के लिए, उसके बारे में बताने का काम करेंगे। और साथ साथ 5 रुपया उनसे मांग कर उनको प्रारंभिक सदस्य भी बनाया जाएगा। 25 जो व्यक्ति, जो वर्कर 25 प्रारंभिक सदस्य बनाएंगे, उसी 25 पर एक क्रियाशील सदस्य बनेंगे, मतलब एक्टिव मेंबर बनेंगे। आज प्रोग्राम में कितने सदस्य बनाए गए हैं? नहीं, आज तो उसकी रूपरेखा जो प्रदेश नेतृत्व का आदेश था, जो हमारे माननीय नेता आदरणीय राष्ट्रीय नीतीश कुमार जी का, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू का, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी का जो निर्देश था, उस आलोक में आज बैठक रखी गई थी और उसमें सारा मामला तय किया गया। कल हम लोग विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक करेंगे, विभिन्न प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की पार्टी कार्यालय में, और परसों हम लोग प्रखंडों में भी जाएंगे,
जिला प्रभारी भी जाएंगे, किसी दो प्रखंड में, तीन प्रखंड में, एक प्रखंड में जिला अध्यक्ष भी जाएंगे, और जो जिला के जवाबदेह पदाधिकारी हैं और जवान साथी हैं उनको भी जवाबदेही अलग अलग प्रखंडों में दी गई है कि वो जा कर के चलाएं। सीतामढ़ी ज़िले में 17 प्रखंड हैं, 17 प्रखंड की जवाबदेही फिक्स की गई है और उन 17 प्रखंड में परसों 15 तारीख को जाया जाएगा, चूँकि वो भी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा ही दिए गए निर्देश के आलोक में पूरे बिहार के हर प्रखंडों में 243 प्रखंड में, वो सीतामढ़ी का सिर्फ 17 प्रखंड नहीं है, 243 प्रखंडों में परसों बैठक है एक साथ पूरे बिहार में, यानी कि ये समझा जाए कि और उसका मुख्य एजेंडा है सदस्यता अभियान, और 50 या 60 लाख सदस्य पूरे बिहार में बनाने का रखा गया है। दूसरा एजेंडा आज की मीटिंग का ये था कि हमारे माननीय नेता ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो झंडा उठाया है कि इस तानाशाही सरकार को, इस जुमलाबाज सरकार को, जुमलाबाज हुकूमत को, जिसके नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं, अमित शाह हैं, जिन्होंने तानाशाही रवैया अपनाकर पूरे हिंदुस्तान को के वजूद को खतरा पहुंचाने का काम किया है, धर्मनिरपेक्षता ध्वस्त हो रही है, यहाँ का अकलियत कराह रहा है, इन तमाम चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए महंगाई से, महंगाई की मार झेलते झेलते आम भारतवासी त्रस्त है, इन तमाम चीज़ों से, भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्मनिरपेक्षता के साथ पूरे जो झंडा उठाने का इन्होंने काम किया है हमारे आदरणीय नेता ने, उसको ये 2024 में उसको अमली जामा पहनाना है, और बिहार देश की तानाशाह हुकूमत जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही है उसको उखाड़ फेंकना है, और इस देश को, इस मुल्क को भाजपा मुक्त बनाना है। जब तक जदयू और भाजपा की सरकार रही तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे ही आप की जदयू और आरजेडी की सरकार बनी तब से भाजपा ने ये कहना शुरू किया है कि बिहार में जंगल राज शुरू हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम जब तक आपके साथ हैं, भाजपा का पैमाना क्या है, भाजपा के अच्छे और बुरे का पैमाना क्या है, भाजपा के अच्छाई का पैमाना ये है कि वो मैंने गंगा माता के समान है, वो गंगा जी में नहाने जाइए सारा पाप आपका धुल जाएगा। भाजपा अपने आप को वही गंगा समझती है कि जो गया धुल गया सारा पाप, उससे अगर निकल गया तो वो गंदा हो गया। ऐसे होता है क्या? पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। हम पूछते हैं कि आज सरकार चल रही थी ठीक है, लेकिन जिस तरह से तानाशाही, जिस तरह से ईडी का हमला करके, जिस तरह से सीबीआई की धौंस दे करके, सीबीआई का छापा मरवा करके, जिस तरह से प्रजातांत्रिक देश को कमज़ोर किया जा रहा था, प्रजातांत्रिक जमहूरी ढांचे को ध्वस्त किया जा रहा था, ऐसे में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास विकल्प क्या था? कोई तो होगा जो बढ़ के उठाएगा झंडा, और उन्होंने झंडा उठाने का काम किया, और पूरा मुल्क हमारे आदरणीय नेता के आवास पर, आदरणीय नेता के ऐलान पर, आह्वान पर गोलबंद होने के कगार पर है, और देश की जितनी भी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, जितने भी सेकुलर मिजाज पार्टी हैं, जितने भी सेकुलर मिजाज लीडर हैं, वो सब बिहार की तरफ और हमारे नेता की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला 2024 में इसका पॉजिटिव परिणाम आएगा। सीतामढ़ी में आपकी को नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति? सीतामढ़ी में प्रभारी की जिम्मेदारी मुझे मिली है। आज पहली बार मैं सीतामढ़ी में आया हूँ, और आज पहली बैठक हमारी थी सीतामढ़ी में, संगठन की बैठक। संगठन की बैठक में
एक सदस्यता अभियान के लिए कई बैठक आज की गई थी। सदस्यता अभियान में सभी लोग आज जितने भी थे कार्यकारिणी के प्रखंड अध्यक्ष और जितने भी माननीय थे सब लोग उपस्थित हुए हैं, और उपस्थित होने के बाद एक तय हुआ है कि यहाँ जो सीतामढ़ी से जो हम लोग को टारगेट मिला था प्रदेश नेतृत्व से 2 लाख बनाने का, 8 विधानसभा है जिसमें 25-25 हज़ार करके, तो लेकिन यहाँ जो इतने लोग बढ़ चढ़ के आज देखे हैं सब लोग में हौसला कि 2 लाख टारगेट को भी पार करने का सब लोग ने तय किया है कि 2.5 लाख हम लोग यहाँ से बना कर देंगे। उसी के संदर्भ में आज 13 तारीख को पूरे 17 यहाँ जो पंचायत प्रखंड है 17 प्रखंड में हम लोग एक ही साथ कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग जिला अध्यक्ष जी और भी प्रभारी महोदय हैं सब लोग हम लोग मिल करके पंचायत प्रखंड बाई प्रखंड जा करके और सदस्यता की शुभारम्भ करने जा रहे हैं। और रह गई बात संगठन की, हमको जिम्मेवारी मिली है तो हम एक कार्यकर्ता हैं, शुरू से ही 17 वर्षों से संगठन की झंडा को ढो रहे हैं तो हम आपको पूरे आशा और विश्वास दिलाते हैं कि हम संगठन को यहाँ पर काफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने का मेरा हर संभव प्रयास है। पहले जो ज्वाइंट संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको हटाकर आपको लगाया गया, क्या उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्या उससे अलग काम कर पाएंगे जिससे पार्टी को मजबूती? देखिए ये तो प्रदेश नेतृत्व का काम, देखिए इसका सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रदेश नेतृत्व का काम है कि किसको हटाना और किसको लगा देना। तो प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर आस्था जता के मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी में बताता हूं कि मैं 100% खरा उतरने का काम करूंगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप अपना परिचय दे दें यहाँ जिला। मेरा नाम श्याम कुमार राय हुआ, हम प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड पुपली बाजार, प्रोप्राइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।